हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग फिलहाल आपके मैंने स्टार्ट कर दिया है, बाकी आज आपका भैया है छत पे और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के 4 बजे से। तो देख सकते हैं आज का मौसम, आप पीछे से इतनी ज़्यादा धूप नहीं आ रही, बिकॉज वरना अगर 4 बजे होते ना और धूप आई होती, बट आपका भैया भी छत पे नहीं आ पाता, बिकॉज आपको होता है और दिन 4 बजे की इतनी ज़्यादा धूप आती है, बट आज ना धूप बहुत कम आई है। तो ये देख सकते हैं आप सनसेट, पीछे हल्का आसा दिख रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बारिश का मौसम टाइप का हो रहा है, बट इसी कारण आपको भाई 4 बजे छत में आया और 4 बजे से आज का ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। बाकी 4, 5, 6 जितने बज जाए ना, बट आपका भाई ना ब्लॉग ना किसी भी हालत में ब्लॉग पक्का बनना है गाइस। तो यार आज ना मुझे अपने ठंड के दिन याद आ गए, जब मैं आया करता था छत में तो कहता था हेलो गाइज करता था छत में आके, बट अभी वही दिन मुझे याद आ रहा है। बट आज कैप नहीं पहनी है और जैकेट वगैरह नहीं पहनी है, बट यही अंतर है। बाकी बताया मैं छत में आता था और छत से अपना ब्लॉग बनाता था। यार ये चेक करिए गाइज आप, देखिए धूप बिल्कुल नहीं है आज, बिल्कुल भी धूप नहीं है, धूप गायब। अभी आपका भाई छत में आया पड़ा, वरना यार ऐसी धूप में कौन छत में आएगा, आपको खुद ही पता है। तो यार अभी चलते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए अपना आगे ब्लॉग बनाते हैं। बाकी 4, 5, 6, 6:30 बजे से आपको पता अंधेरा हो जाएगा, बाकी यार 2 घंटे में आपका भाई 4, 5, 10 मिनट का ब्लॉग तो आपको बना के दे ही देगा। बाकी देखते हैं पीछे किमू में अपने कौवे बैठे पड़े हैं, देखो कौवे आराम से किमू वगैरह खा रहे हैं। मतलब ना किमू जब देखते ना अपने कि रोड मतलब खले में ऐसे बिखर जाते हैं, क्योंकि सारे किमू खा लेते हैं ना। बाकी अब धान गेहूँ वगैरह कट गए, धान निकलता हमेशा मुझसे यार, सॉरी यार। बाकी अभी गेहूँ वगैरह कट गए और अभी जानवर देखिए खेतों में, खाता आप ये देखिए जानवर वगैरह खेतों में अब चर रहे हैं, बिकॉज थोड़ा बहुत बच्चे रहते हैं जो बाले वगैरह तो उसको खाते हैं लोग। बाकी यार अब तो अपना जो नया बाथरूम बना था वो भी हल्का फुल्का कंप्लीट हो ही चुका है, थोड़ा बहुत रह गया उसमें टाइल वगैरह लगने, वो यार 2 दिन में लगी जाएंगे। बाकी आपको दिखाते हैं किस टाइप का बना है, ये देखिए कुछ इस टाइप का डिजाइन बना पड़ा है। बाकी अभी टाइल वगैरह लगने रह गई है बस, और तो सब कंप्लीट हो चुका है। इधर से टाइल लगनी है और बाथरूम में भी इधर टाइल वगैरह लगनी है। पीछे से कुछ ऐसा है देख सकते हैं, मतलब ना अभी काम तो रह गया है फिलहाल, अभी आधा कंप्लीट हो चुका है, आधा रह चुका है कलर और टाइल वगैरह लगना, और पीछे ऊपर रखी टैंकी। और इधर से देखिए ये है सोखता, जो कि इसका ढक्कन अभी तक नहीं रखा है, रख देंगे बाद में। बाकी यार अभी मुंह धोते हैं फिर आगे ब्लॉग बनाते, बिकॉज अभी सोया था ना, सो के सीधे अपना ब्लॉग बनाने लग गया, जितना भी दिखाया आपको बिना मुंह धोते दिखाया, बट अभी मुंह धोते हैं, जा रहे ट्यूशन भी जा रहा, बाकी मुंह भी धोते हैं और ट्यूशन भी चलते हैं। तो अभी मुंह हाथ भी धो के आ गए हैं, तो अभी ट्यूशन भी चलते हैं, ये कॉपी चलते हैं। और तो यार गाइस अचानक से मौसम चेंज हो चुका है, तो देखिए पीछे हल्की हल्की धूप आ गई है, बट यार जब मैं छत में गया था तब धूप मिली, आपने देखा कि धूप थी नहीं, बट अभी एकदम धूप आ चुकी है। देखिए यार अभी फिलहाल ट्यूशन पढ़ के आ गए, तो अभी देखते हैं आगे ब्लॉग बनाते हैं। फिलहाल अभी जा रहे हम कट्टे लेने, जो कि यार अपने जो 5 क्विंटल गेहूँ बचा था ना बेचने वाला, वो अपने फूफा जी ले आ रहे कहीं से आए थे ना, तो नक्स भी मेरे साथ आया कट्टे लेने। चले फिर नक्स, फूफा जी ना जो अपनी सरबुआ रहती है एक हलवानी, तो उनके हस्बैंड है, तो आ रहे हैं, तो वो ले जा रहे गेहूँ, तो उनके पास कट्टे भी थे, तो अभी फिलहाल लेने जा रहे हैं हम कट्टे नक्स और मैं। क्या नक्स, हाय कर दो फिर नक्स एक बार, हाय गाइस, नक्स बैठा है पीछे। तो चलते हैं और जल्दी से कट्टे लेके आते हैं, और कट्टे लाने हमें पोल्ट्री फार्म से, क्योंकि अपने गाँव में पोल्ट्री फार्म है ना, पोल्ट्री फार्म में कट्टे वगैरह मिल जाते हैं, तो लेके आते हैं। चेक करिए गाइस, ये आज अपना जहाज नहीं है, ये वो आए थे ना, तो उनका हम साइकिल लेके आ गए, वो उनसे पूछा और हमने कहा साइकिल ले आते। बाकी मौसम देखिए, बारिश का मौसम हो चुका है, जल्दी चलते हैं वरना बारिश आ जाएगी। क्यों नक्स, बारिश नहीं आएगी, बारिश आएगी तो मजा आ जाएगा, अरे बिक जाएंगे भाई, मजा आ जाएगा कह रहा है। तो ये है पोल्ट्री फार्म, तो एक बार नहीं इस वाले में नहीं, उनके कट्टे जो रोहित दा का आ गए ना, तो उस वाले में चलते हैं फार्म। अभी रोहित दा वाले पोल्ट्री फार्म से आ गए, बट यार उस वाले में तो कट्टे मिले नहीं, बट इस वाले पोल्ट्री फार्म में जाते हैं तो देखते हैं कट्टे नहीं है। अभी अंदर चले गए, स्टैंड क्या हो गया इसमें, रेता यहाँ पे अभी तो कहूँ क्या हुआ, फिसल गई रहते में हमारा जहाज, कट्टे होंगे क्या यार, कट्टे। अरे यार जरूरी थे यार, देख लो कहीं होंगे तो यार, हैं कितने, एक दो भी नहीं है, सब खत्म है। देखा नक्स, मोड़ जल्दी मोड़, गिराना मत, ठीक है आजा 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 आजा, चला लेगा तू, चल मोड़ के आजा फिर। यार गाइस आज तो प्रॉपर्टी हो गया, कट्टे अट्टे तो मिली नहीं, बट यार अब फूफा जी के लिए हो गई प्रॉब्लम, यार अब लेंगे कैसे, ऐसे हल्द्वानी की हूँ, तो देखना पड़ेगा यार अब कट्टे का इंतजाम कहाँ से करेंगे। बाकी इस वाले पोल्ट्री फार्म में भी कट्टे नहीं है, आप पूछा आपको दिखाया अभी पूछ के, बट इस वाले में भी कट्टे नहीं है, और आराम करना गेट में टूंगना, बट यार अब देखना पड़ेगा कहीं ना कैसे इंतजाम तो करना ही पड़ेगा ना कट्टों का। चल 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 चला, मैं सिखाऊंगा तो पैडल मारना, ठीक है, हैं गिरा देगा तू, चल जानते तू, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, हाँ पीछे बैठ पीछे बैठ,
कट्टे वगैरह तो मिली नहीं, बट अभी जा रहा हूँ अपने जहाज में हवा भराने, बिकॉज इसके जो टायर है ना दोनों टायर पिचक गए हैं ढंग से, मतलब हो गए हैं, दिखाते हैं अभी आपको। दोनों इसके जो टायर है ना बिल्कुल ऐसे हो गए हैं, पतले से बिल्कुल हवा नहीं है इसमें, तो चलते हैं इसमें हवा वगैरह भरा के लाते हैं, फिर घूमते इधर उधर और क्या। पिंचर लगाने बट यार पिंचर की दुकान तो बंद है, तो अभी गौर भाई के रुके और खेत में उधर वॉलीबॉल का नेट बनाया पड़ा है, तो डिमोटे उधर खेल लें, तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको कैसा वो नेट बनाया और कैसे खेल लें, खेत में बना रखा है तो चलते हैं दिखाते हैं। देखिएगा इस इधर गेम चल रहा है, मतलब काफ़ी तगड़ा यहाँ खेत में बना रखा है, लो ये भी जा रहा खेलने देख सकते हैं आप। और बाकी इधर देखिए इधर गेम चल रहा है भाई साहब, खेत में भी नेट ऐसा बना रखा ना भाई, कुछ लग रहा है नेट यहाँ पे खेत में, मतलब ना इतना बढ़िया नेट बना रखा ना खेत में, तो क्या ही बताऊँ आपको, मतलब बहुत सही नेट लग रहा है इधर से। स्विमिंग भी आर के खेलने, ये देखिए दूर से, बहुत दूर से प्लेयर आए हैं खेलने, बहुत दूर दूर के प्लेयर है। ऐसा बारिश का मौसम हो रहा है, मौसम इतना रपची हो रहा है, उधर भाई भी आए पड़े खेलने, उठा दी भाई साहब। पहली बार शॉट मारा भाई ने, पर अच्छा शॉट मारा है। हेलो गई अपने रुद्र भाई की सर्विस, ओ भाई साहब ये चेक करिए गाइस, वाओ यार कुछ गेम हो रहा है यहाँ पे फिलहाल, मतलब ना जो नेट है ना वॉलीबॉल, मतलब उधर जो फील्ड में नेट है उधर का नेट इधर लाके, रुद्र भाई उधर का नेट है क्या, फील्ड का नेट इधर लगा, क्या हाल है। देखिए आप चेक करिए गेम यार, इनके गेम चेक करिए गाइस, मतलब ना बहुत सही गेम खेलता है अपने गाँव के लौटे यार। ये देखिए ये मारा है शॉट भाई साहब, साहिल भाई का चेक है बहुत तगड़ा, और इसमें भी खेलने लगा है बट बड़ी पुरानी बॉल है ना, तब इससे नहीं खेलने भाई लोग। अच्छा ये पुरानी है भाई साहब, उठा दी रे, भाई साहब पार पार है, क्या कर रहा है उनको यार, यार फॉल नहीं भाई, फॉल नहीं, ये अभी शूट हो रहा है अपना ड्रोन कैमरे से, शूट हो रहा है, देखिए कितने ऊपर से शूट हो रहा है वीडियो है, लो ये भाई साहब इतने ऊपर से वीडियो शूट हो रहा है भाई, कुछ लग रहा है वॉलीबॉल का नेट वगैरह सब चीज अपना ड्रोन कैमरा शॉट हो रहा है, ये आपके भाई ने नया ड्रोन कैमरा लिया ना, तो उससे अभी ये वीडियो शूट हो रही है। वो सिनेमैटिक बन रहा है, सिनेमैटिक बन जाएगा इस जीते हारती नहीं, अरे इसे खेल ले कोई दिक्कत थोड़ी, ये है किसकी वाली वाली मंकू सारे तोड़ दिए यहाँ पे, फूफा जी आए थे तो सब तोड़ दिए, बाकी इधर देख सकते हैं पूरा खत्म हो चुका है, तो अभी बचा है जो कि 50 किलो बचा है, बाकी अभी तो मैंने सारा तोड़ लगा इसमें, तो देख सकते अपना वेट तोड़ते हैं एक बार, तो ये आपके भाई का वेट आ रहा है 55 किलो 500 समथिंग आ रहा है, मतलब 500 किलो के तो 500 ग्राम के तो कपड़े होंगे भाई, 55 किलो का तुम्हारा भाई आ रहा है, देख सकते हैं आप 55 किलो का आ गया तुम्हारा भाई यार, बहुत दुख हो रहा है, कम से कम 40 किलो लेती है यार, क्या हो गया साइड में सारा देखो, ये सबको कर लेना ना एक दूसरा, बाकी 50 किलो ये 50 किलो है, आधा क्विंटल हो जाएगा, एक क्विंटल तो नहीं हो पाएगा, और आधा क्विंटल, तो यार गाइस सारा काम धंधा भी कंप्लीट हो चुका है, तो यार आई होप आपने आज के इस ब्लॉग में भी एंजॉय किया होगा, एंजॉय किया होगा तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सब्सक्राइब जरूर कर दें अपने भाई को, तो और एक जो सब्सक्राइब का बटन है जो रेड कलर का, उसको भी जैसा ब्लैक करके थोड़ी सी कृपा दिखा देना अपने भाई पे, बहुत ज्यादा आपका भाई रहूंगा, तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।